मेरे बच्चे, कैसे हो मेरे बच्चे? कहो, क्या अवस्था है तुम्हारी? क्यों डरते हो तुम? क्यों विचलित होते हो बार बार अपने निर्धारित पथ से? जब मैंने तुम्हें आंखें दी है तो केवल इस सृष्टि को नहीं देखना है तुम्हें, तुम्हें वह अदृश्य शक्ति को भी देखना है जो मेरी शक्तियां हर जगह व्याप्त रहती है। तुम्हें मैंने अगमजानी बनाया है। तुम जब सोते हो तो कभी कभी स्वप्न में मैं दर्शन देता हूँ। मेरी अलौकिक शक्तियों को तुमने कई बार देखा है, महसूस किया है, फिर भी अपने ऊपर शक करते हो, खुद को कमजोर समझते हो। ऐसा करना छोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि इस जगत में मेरा कोई भी भक्त एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं है। हर पल मैं मेरी शक्तियां तुम्हारा हाथ थामे हैं। न तुम्हें डगमगाने दूंगा, न गिरने दूंगा। निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा और समय समय पर कोई भी गलत निर्णय लेने से तुम्हें मैं रोकूंगा। तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम्हारे कार्य इतने श्रेष्ठ है कि मैं प्रभावित हो जाता हूँ। तुम अक्सर अपना हित त्याग के दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के लिए कुछ करते हो, और ऐसा करके तुम मेरे हृदय में एक अलग ही जगह बना रखे हो। फिर भी घबराता है तुम्हारा मन। नहीं मेरे बच्चे, मेरा हाथ थामो और इस रणभूमि में आगे बढ़ो। ये युद्ध भूमि है, यहाँ रण करना है तुम्हें और विजय प्राप्त करना है तुम्हें। जीत तुम्हारी सुनिश्चित है, किंतु मनोबल की कमी है। अपने मनोबल को और उच्च करो। तुम्हारे कार्य इतने श्रेष्ठ है कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हें तुम्हारे भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। भविष्य सुनहरा है तुम्हारा। सदा सर्वदा सफल रहो, सदा सुखी रहो।